हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं LYF न्यूज़। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं यू मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में। यहां और फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि अब आपके जो यू मोबाइल हैं, खासकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो न्यू मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, वो नया वर्जन आ चुका है। तो यहां और फ्रेंड्स, हम आपको बता रहे हैं कि नया जो एप्लीकेशन है और जो पुराना एप्लीकेशन है, उनमें क्या टॉप सीक्रेट्स हैं और क्या खासियत है दूसरे मोबाइल में जो नया आया है, और जो पिछला मोबाइल था उसमें क्या कमियां थी, कौन कौन सी सुविधाएं आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं जिनका आप बेहतर तरीके से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम खोल के आपको बताते हैं पुराना वाला यू मोबाइल। ये फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि जो पुराना आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल एप्लीकेशन है, बैंकिंग एप्लीकेशन है, वो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको दिखाई देता था। खासकर यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स जैसे ही ओपन होता है, पहली बात तो फ्रेंड्स, इसकी खासियत ये थी कि थोड़ा ये आप देखते हैं लोडिंग वाला जो सिस्टम है, थोड़ा टाइम लेता है, जो थोड़ा ऑड लगता है इसको यूज करने में। ऑफ़र्स वगैरह आपको यहाँ पर दिखेंगे, लेकिन इनका कोई विशेष मतलब नहीं है। आप यहाँ पर देखें, सॉरी, करंटली देयर इज़ नो ऑफर्स टू डिस्प्ले। तो यहाँ फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है, जितना भी दिया गया है उसका कुछ विशेष यूज नहीं है। देखने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे रेफर हो गया, लोकेटर हो गया, फीडबैक, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। चलिए, यहाँ पर हम सीधे आपको विंडो दिखाई देती है, इंटरफेस, यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल के आपको इंटर हो जाना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने पासवर्ड डाल लिया है और हम यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एंटर हो गए हैं, और हर बार प्रोसेसिंग इस तरह से आएगा। और यहाँ पर अंदर आप देखेंगे तो आपको जो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, वो 6 ऑप्शंस केवल दिखाई दे रहे हैं। पहला है बैंकिंग, और दूसरा है पेमेंट, तीसरा है माई सेटअप, और चौथा है IMPS 24/7, और अगला है डेबिट कार्ड कंट्रोल और अदर सर्विसेज। तो यहाँ पर 6 ऑप्शंस ये हैं, इनके माध्यम से ही आप अपने अकाउंट को संचालित कर सकते हैं। यहाँ पर बैंकिंग में जाके हम देखते हैं तो 4 ऑप्शंस आपको देखने मिल जाएंगे, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर और रिक्वेस्ट टू बैंक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि पहले में तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, बैलेंस है। दूसरा, मिनी स्टेटमेंट पर लगभग आप 5 से 10 अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं, और फंड ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम अगले ऑप्शन में आपको, अगला जो नया आपका यू मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें हम आपको बताएंगे तो आप देखेंगे कि क्या न्यू फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला तो फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है, इसका जो इंटरफेस है, देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और बस क्योंकि अभी नया है तो कुछ कमियाँ ज़रूर हैं, लेकिन पुराने एप्लीकेशन से काफ़ी बेहतर है। न्यू फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर आप पिन, लॉगिन पिन की वजह से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, और फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको फिंगरप्रिंट के जो चिन्ह दिखते हैं, यहां पर क्लिक करना है और पीछे, और ये देखिए आपका सीधे लॉगिन हो चले हैं। बस कुछ ही सेकंडों में आप एंट्री कर जाएंगे। ये फ्रेंड्स देख रहे हैं, सामने हमें दिख रहा है अपना नाम, और ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शंस दिखाई रहे हैं, यहाँ पर टोटल बीच में जो ऑप्शंस हैं वो 9 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुराना जो आपका एप्लीकेशन है उसमें आपके केवल 6 ऑप्शंस ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो अकाउंट में आप जाते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट। यहाँ पर फ्रेंड्स, यदि आपका करंट अकाउंट है तो भी आप यहाँ से देख पाएंगे, और जो सेविंग अकाउंट है तो भी आप देख पाएंगे, और ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो भी यहाँ पर से आप देख पाएंगे। लेकिन इस एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, बैंकिंग केवल लिखा है, और यहाँ पर आपको जो अकाउंट है वो सीधे आप यहाँ से संचालित कर पाएंगे। ये फ्रेंड्स हो गया। इसके पश्चात जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं, जो आपका अकाउंट दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डिटेल्स आप पूरी देख सकते हैं, जो कि हमें वहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यहाँ पर इस तरह की कोई सुविधा नहीं कि आप अपने डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स डिटेल्स हो गई। मिनी स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने आपका जो मिनी स्टेटमेंट है वो त्वरित ही देखने लगता है। लेकिन वहाँ पर यदि आपको मिनी स्टेटमेंट देखना होता है तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपने क्लिक किया तब आपको जो मिनी स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो इसका इंटरफेस है वो थोड़ा कम बेहतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफेस है बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है, और यहाँ पर जो मिनी स्टेटमेंट में है काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर लिमिटेड ट्रांजेक्शन ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए कि स्टेटमेंट आप दिया गया है, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पर आप डेट वाइज अपना जो ट्रांजेक्शन है उसको देख सकते हैं, PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और ईमेल में भी आप सेंड कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो कि आपको यहाँ पर पुराने मोबाइल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर यदि आपको इसको प्रिंट करना है तो सीधे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यही एक इसकी सुविधा है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ट्रांसफ़र का ऑप्शन है,
यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे, सबसे पहले आपको मैनेज पे ही, जिनको आप नया व्यक्ति को यदि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मैनेज कर लेना है। आपको बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड कर लेना है। पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि कैसे आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है। ऊपर देखें ट्रांसफ़र टू, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो आपके बेनिफिशियरी ऑलरेडी ऐड हैं उनके यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स दिख जाते हैं, तो इनमें से किसी को भी आप रिपीट ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपको बैंक जाना है वापस और बैंकिंग में क्लिक करना है, तो यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र में क्लिक करना है, तो यहाँ पर आ जाता है विथिन बैंक, यानी कि आप यूनियन बैंक के किसी ग्राहक को ही रुपये सेंड करना चाहते हैं या अदर बैंक्स को सेंड करना चाहते हैं। तो अदर बैंक्स में NEFT का ऑप्शन दिखाई दिया जाता है, यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं बेनिफिशियरी को पेमेंट कर सकते हैं, बेनिफिशियरी डिटेल्स देख सकते हैं, और यदि उसको हटाना चाहते हैं तो डी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, IFS बैंक सर्च वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सुविधाएं मिल जाती हैं, सीधा सीधा है, ज़्यादा कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है। मैनेज पे में यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यदि कोई व्यक्ति है तो उसको सीधे अकाउंट नंबर डालना है, और अदर बैंक्स का है तो यहाँ पर अदर बैंक्स में क्लिक करना है। ई कैश रेमिटेंस के माध्यम से भी आप रुपया सेंड कर सकते हैं, और MMID के माध्यम से भी कर सकते हैं, और VPA के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अभी ये ऑप्शन इसमें आया नहीं है, लेकिन ऑप्शन ज़रूर इसको देश में दे दिया गया है। पे लिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो ऐड न्यू पे, तो ये फ्रेंड्स इस तरह की सुविधाएं इसमें दी गई हैं, जबकि इस तरह की सुविधाएं इसमें आपको प्राप्त नहीं होती हैं। वापस चल के देखते हैं, आपको जल्द ही इसके बारे में बता देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पेमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बिल पे, तो बिल पे में आपको आ जाता है रजिस्टर्ड बिल पेमेंट, तो जो रजिस्टर्ड होंगे उनको आप देख सकते हैं। और तो ये हो गया, और वापस चलते हैं यहाँ पर इसकी, यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे एड हॉक बिल पेमेंट्स में, यहाँ पर आप जाके देखते हैं और यहाँ पर आपको डालना होता है आपको MPIN, और सिक्योरिटी के लिए जो भी आपका MPIN है आप यहाँ पर डाल के देख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखना है कि एड हॉक पेमेंट्स में आपको क्या देखने को मिलता है। वी आर फेसिंग सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, थैंक यू। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बार बार कुछ इस तरह का अलर्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे रिचार्ज का ऑप्शन है, तो रिचार्ज आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो रिचार्ज का ऑप्शन है उसमें आपको कितने सारे ऑपरेटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये सेम प्रोसेस चलेगी मोबाइल रिचार्ज में, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप न्यू रिचार्ज और यहाँ पर ऑपरेटिंग सर्च स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पर आपको जियो क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखते हैं कि आता है या नहीं। ये फ्रेंड्स देखिए जियो आ चुका है, इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर हमें सर्च करना होता है, ऐसी कोई लिस्ट हमें सामने निकल के नहीं आती जिसमें हम एयरटेल आइडिया वगैरह सेलेक्ट कर सकें। तो ये फ्रेंड्स इसकी एक कमी है, जबकि अदर इसमें आप वापस जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर सीधे सर्विस मिल जाएगी। यहाँ फ्रेंड्स आप देखें कि इस तरफ आपको देखने को मिल जाता है रिचार्ज एंड बिल पे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको केवल दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, बिल पे और रिचार्ज। तो बिल पे में यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शंस देखने के को मिलते हैं जो काफ़ी बेहतरीन है। इंस्टेंट पे यदि तुरंत किसी को पे करना चाहते हैं तो आप तुरंत कर सकते हैं, और रजिस्टर, तो यहाँ पर दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो एक सुविधा है जो पुराने आपको जो यू मोबाइल है उसमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये फ्रेंड्स हो गया। इसके पश्चात यदि आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने मोबाइल को रिचार्ज भी कर पाएंगे। यहाँ से आपको सेलेक्ट कैटेगरी, तो मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है, और इसके पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो नेशनल है बिलर्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि ज़्यादा ऑपरेटर्स नहीं दिए हैं, खासकर जियो वगैरह आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, लिमिटेड ही देखने को मिलते हैं। तो ये इसमें भी खासियत है, कुछ एफरेट ऑपरेटर्स को ऐड किया जाना यहाँ पे अभी ज़रूरी है न्यू यू मोबाइल एप्लीकेशन में। तो ये इसकी कमी है अभी हाल में, और आगे जाके हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या फ़र्क है। पीछे चलते हैं और यहाँ पर जो हमारा पुराना वाला एप्लीकेशन, यहाँ पर टेंपल डोनेशन, यदि मंदिर के लिए आप डोनेट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो बिल पे में जाते हैं, रजिस्टर में क्लिक करते हैं, कंटिन्यू में क्लिक करते हैं, और इनवैलिड कस्टमर डिटेल्स, नो बिल्स अवेलेबल फॉर कस्टमर ID, ओके रजिस्टर्ड बिलर, सेलेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखें कि जो सब्सक्रिप्शन है, इंश्योरेंस, मोबाइल पोस्ट पेड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, लैंडलाइन, फ़ोन, तो यहाँ पर इतने ऑप्शन ही मिलते हैं। खासकर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट यदि आपको करना है तो उसका यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने को अभी नहीं मिलता है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर आने की इसकी ज़रूरत है। तो ये फ्रेंड्स आप खासियत मान सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं आप पुराने मोबाइल एप्लीकेशन के
माध्यम से। चलिए वापस चलते हैं और आगे माई सेटअप में जाके देखेंगे। तो यहाँ पर है फैच अकाउंट डिटेल्स, तो यहाँ से आप अकाउंट डिटेल्स अपने देख पाएंगे। और अकाउंट डिटेल में केवल आपको इतना ही दिख रहा है और कुछ नहीं है। और चलिए वापस चलते हैं और यहाँ पर कन्फर्म अपडेट ईमेल आईडी वगैरह आप कर सकते हैं और सेव मैसेज इनबॉक्स, लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, फॉरगेट एम पिन चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज एम पिन भी यहाँ से आप कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगले इसमें यहाँ पर हम देखेंगे तो ये ऑप्शंस आपको सीधे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। वापस चलेंगे, ये फ्रेंड्स ऊपर थ्री लाइन्स दिख रही हैं, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं और सेटिंग में जाएंगे तो ये जो चेंजिंग के ऑप्शन है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पर बेहतर सुविधा है और सीधे यहाँ से आप कर पाएंगे, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। वापस चलते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि एम पासबुक, ई एम आई कैलकुलेटर, ये जितने भी ऑप्शन है सीधे आपको यहाँ पर अंदर देखने को मिल जाते हैं। जबकि यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है वो आपको फ्रंट स्क्रीन में देखने को मिलता है जब हम बाद में एम पिन करके लॉगिन कर पाते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स वगैरह जितने भी हैं यहाँ से सुविधाएँ आपको मिल जाएंगी। आगे फ्रेंड्स इसकी जो विशेष खासियत है इस एप्लीकेशन की वो ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एम पासबुक सबसे बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जबकि हमारे पास में जो पुराना है उसमें एम पासबुक जैसी कोई सुविधा हमें देखने को मिलती नहीं है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप जाके देखेंगे तो चलिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में लगभग आपको कुछ भी दिखाता नहीं है, बस ऑप्शन बस जरूर दिया है पुराना मोबाइल है, पुराना जो आपका यू मोबाइल है, तो इसमें एक कमी है और नए में ये आप इसको खासियत मान सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपका जो लगभग काफ़ी सारा जो डिटेल है उसको आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे और इसको ईमेल में भी प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में आप सीधे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम बस कुछ आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा ट्रांजेक्शन देखने को बाकायदा मिल जाता है जिसमें आपको डिटेल भी देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो पुराना यू मोबाइल है इसके लिए एक एम पासबुक नाम का एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अनेबल टू बैंक कनेक्ट हमेशा बताता रहता है और आपको करंट की जो अपडेट ट्रांजेक्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। तो उसमें फ्रेंड्स ये एक कमी है और ये जो नया यू मोबाइल है उसकी खासियत है। अगले हम फ्रेंड्स देखेंगे कि हम मिल जाती है कार्ड सर्विस, हालांकि कार्ड सर्विस आपको वहाँ पर भी देखने को मिलती है पुराने यू मोबाइल में, लेकिन इसमें कुछ खास ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, प्रीपेड कार्ड्स वगैरह। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि जो आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं डेबिट कार्ड कंट्रोल में, केवल इतने ही ऑप्शंस देखने को मिलते हैं कि आप डेबिट कार्ड की लिमिट चेंज कर सकते हैं, इनेबल और डिसेबल पेमेंट चैनल, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को आप बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग में आप कर सकते हैं और ऐड और डिलीट योर डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर आप अपना जो कार्ड है उसको ऐड कर सकते हैं, टेम्प्ररी एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन ऑफ योर डेबिट कार्ड, आप कुछ समय के लिए अपने कार्ड को एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें डेबिट कार्ड में जैसे हमने क्लिक किया आपको कौन कौन से ऑप्शन हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ फ्रेंड्स आप देखिए डेबिट कार्ड में हमने क्लिक किया है और ये हमारा डेबिट कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर दिखने लगा है। और आगे जाके यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल जाता है कार्ड डिटेल्स, तो यहाँ पर ये जो कार्ड डिटेल्स है वो सब दिख रही है, रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह जो भी होंगे आप सीधे यहाँ से देख पाएंगे, आपको मैक्स पॉइंट करके जो एक एप्लीकेशन है उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। मोर ऑप्शंस में जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं जो एक बहुत ही बेहतरीन आपको सुविधाएँ देता है। डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग, ब्लॉक अनब्लॉक डेबिट कार्ड, सेट डेबिट कार्ड लिमिट, रिक्वेस्ट फॉर एड ऑन कार्ड्स, रिक्वेस्ट फॉर पर्सनलाइज कार्ड और अपग्रेड डेबिट कार्ड, इश्यू न्यू डेबिट कार्ड, पेमेंट चैनल सेटिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पुराना जो एप्लीकेशन है उसमें आप न्यू कार्ड इशू नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से बहुत ही आसानी से अपना जो कार्ड है घर बैठे ही नया मंगा सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक खासियत है न्यू यू मोबाइल एप्लीकेशन की। तो ये फ्रेंड्स आपको देखने को मिल गया है और यहाँ पर देखें कि कुछ ऑप्शंस हैं जो एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए गए हैं जैसे इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। यहाँ पर फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से नया अकाउंट भी घर बैठे ही खोल सकते हैं जैसे ओपन न्यू एफडी अकाउंट और रिक्वायरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एएसबीए अकाउंट और इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह, ये सब कुछ आप यहाँ से देख पाएंगे। ये एक बेहतरीन ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस मैनेजर में जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है, लेकिन ये सुविधा भी जल्द ही आने वाली है और सर्विस रिक्वेस्ट में भी ये सुविधा आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो ये सभी जैसे ही जो सुविधाएं हैं जो फीचर्स यदि चालू हो जाते हैं भीम यूपीआई
तो ये जो एप्लीकेशन एक बेहतरीन एप्लीकेशन हो जाएगा और अपने आप में एक पूर्ण एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन के रूप में जाना जाने लगेगा। लेकिन इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर लिमिटेड ट्रांजेक्शन थे और इसका जो इंटरफेस है काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन काफ़ी कुछ काम यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन अब इसके नए आ जाने से जो नया एप्लीकेशन है यू मोबाइल, ये काफ़ी बेहतर है और भले ही इसमें अभी न्यू सुविधाएं नहीं आए हैं काफ़ी अच्छा चलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि देरी से चलता है, हाँ शुरुआत में ज़रूर ये काफ़ी थोड़ा लेट चलता था लेकिन अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी, हमने अपने आपको यहाँ पर तुलना करके बताई है कि क्या दोनों यू मोबाइल एप्लीकेशन में फ़र्क है। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।